রাজ না রেওয়াজ, রাজস্থানের ভোটে বদলাবে কি? কংগ্রেসের মান বাঁচাবেন গেহলট নাকি রেওয়াজ মেনেই জিতবে বিজেপি? আজ ভোটের বুথে রায় দিচ্ছে মরু রাজ্য। শেষবার 1985-তে ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল কংগ্রেস, তারপর গত 38 বছর ধরে প্রতি ভোটেই নিয়ম করে সরকার বদলেছে। রীতি অক্ষুণ্ণ থাকলে এবার বিজেপির ক্ষমতায় আসার পালা। তবে কংগ্রেসের দাবি, গেহলটের জাদু বলে এবার 38 বছরের রেওয়াজ ভাঙবে রাজস্থান। সেক্ষেত্রে 24-এর ফাইনালের আগে 23-এর সেমিতে কিছুটা হলেও ধাক্কা খাবে মোদী সরকার। অন্যদিকে সমীক্ষা বলছে রাজস্থানের কুর্সিতে এবার বিজেপি। 200 আসনে রাজস্থান বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার 101। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে ফ্যাক্টর হতে পারে নির্দল এবং ছোট দলগুলি। ত্রিশঙ্কু ফলে নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে নির্দল এবং ছোট দলগুলির ভূমিকা। করণপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে 1,863 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন মরু রাজ্যের 5,25,00,000-এরও বেশি ভোটদাতা। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। पार्टी को जरूरत है हम स्टेट्स में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।